जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज ज्योग्राफी का एक जो चैप्टर है ज्वालामुखी हम पढ़ेंगे। ज्वालामुखी जिसको इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं, क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, मैं गारंटी देता हूँ कि एक ज्वालामुखी से लगभग क्वेश्चन जिस भी कॉम्पिटिशन में आएंगे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। मैं काफ़ी गर्व तक जाऊँगा और ज्वालामुखी के एक एक पार्ट को मैं बताऊँगा कौन से ज्वालामुखी इम्पोर्टेंट है, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ज्वालामुखी अगर होता क्या है, तो जितने भी भूपटल पर जो प्राकृतिक क्षेत्र, जैसे हमें पता है कि जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में कहीं बहुत जगह छेद है। ये छेद होता क्या है कि हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी अभी भी इंटरनल जो कोर पार्ट है काफ़ी हॉट है, काफ़ी गर्म है। इसके अंदर हमेशा क्या आग, इस जिसको कहते हैं मैग्मा कह सकते हैं ना, लावा हमेशा यहाँ अवेलेबल रहता है। तो कभी कभी ये लावा ये छेद के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल आता है, ठीक है, ये छेद के थ्रू बाहर निकल आता है। इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी। नाम तो रखा गया है क्योंकि ये मुख है उसका निकलने का जो छेद है, और ज्वाला इसके अंदर से निकलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है। ठीक है, ज्वालामुखी होता क्या है, तो इस प्रकार का टीला बना रहता है और इसके ऊपर से ये क्या होता है कि लावा जो है बाहर निकलता है, गर्म लावा, काफ़ी गर्म होता है ये जो छेद या दरार को, जो पिघला जो इसके अंदर, क्योंकि हमने पहले बोला कि मैग्मा होता है, लावा जो होता है, जो क्या कौन सा लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म। ये लिक्विड फॉर्म क्या होता है, बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे सूखता रहता है। तो यहाँ पर देख लें कि ज्वालामुखी का होता किस प्रकार का है। तो ज्वालामुखी का जो कप के आकार का जो मुंह होता है, यानी कि ये जो कप के आकार का जो मुंह होता है, इसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता जाऊँगा। तो ज्वालामुखी का जो मुख का जो कप टाइप शेप होता है, इसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। बाढ़, इसके बाद होता क्या है, बाढ़ हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। जो बाहर इसके बाहर आता है तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे ही बाहर आता है, बाहर के एटमॉस्फेयर से ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है और ये क्या हो जाता है, ठोस में बदल जाता है। ठोस मतलब सॉलिड हो जाता है। जब ये सॉलिड हो जाता है तो इसे कहते हैं सिंडर। इसे क्या कहते हैं, जब ये ठोस में बदल जाता है तो ये कहलाता है सिंडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला हमें बताया कि ज्वालामुखी का जो मेन ऊपर का कोर वाला जो भाग होता है, जहां से ज्वालामुखी निकलता है, उसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। और जो जब ये उसी क्रेटर से जो लावा बाहर निकल कर आता है और ये ठोस बन जाता है, छोटा छोटा पार्ट बन जाता है, ये कहलाता है सिंडर। सेकेंड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्रेटर, दूसरा हम पढ़े सिंडर। जो निकलने वाली जो गैस जो है, वाष्प का प्रतिशत इसमें बहुत ज्यादा होता है। जो गैस निकलता है, क्योंकि निश्चित है कि जब लिक्विड है, गैस क्योंकि काफी गर्म है, तो इसमें क्या होता है, गैस निकलता है। गैस में क्या होता है, वेपर बहुत ज्यादा होता है। जो ऊपर में जो गैस निकलता है, जितने भी गैस में, उसमें वेपराइजेशन मतलब वेपर बहुत ज्यादा होता है। सोचिए, उधर का जो अगल बगल का पूरा एटमोसफेयर कैसा हो जाता है, एकदम पूरा ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैकिश इसी वेपर से पूरी तरीके से। और अगर देखा जाए तो अगर कैटेगराइजेशन में, तो कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, तीन प्रकार के। पहला सक्रिय ज्वालामुखी जो एक्टिव कहलाता है, प्रसुप्त, और तीसरा शांत। सबसे पहला कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त, और तीसरा शांत ज्वालामुखी। एक एक करके तीनों को हम बताते हैं। सबसे पहले है एक्टिव वोल्केनो, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव का मतलब ये होता है हमेशा, यहाँ हमेशा उद्गार होता है, हमेशा क्या होता है, ज्वालामुखी फटते रहते हैं, हमेशा फटते रहती है। लगभग 500 जैसे ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी हमारे पृथ्वी पर अवेलेबल है, जो नोन है, जो पता है हमें। ठीक है, लगभग कहते हैं 500 है। इसमें प्रमुख कौन से है मेन में, तो इटली का एटनी। ठीक है, इटली का एटनी, या इसको कहीं कहीं एटना भी बोलते हैं, एटना ही पड़ेगी। इटली का एटना स्ट्रॉम्बली। एटना और स्ट्रॉम्बली क्या है, इटली का जो है, ये दोनों ज्वालामुखी काफी एक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इटली का एटना और स्ट्रॉन्ग वैली। दूसरा क्या है, कोलिमा का है, मैक्सिको कहाँ है, तो उत्तर अफ्रीका में है। ठीक है, ये जान लीजिए। ठीक है, इसको उत्तर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका लिखेगा, उत्तर अमेरिका में। तो कोलिमा कहाँ है, मेक्सिको, उत्तर अमेरिका। ये दो इंपॉर्टेंट है। तो सक्रिय ज्वालामुखी में क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि कोलिमा जो है वो कहाँ है, तो मेक्सिको है, उत्तर अमेरिका में है। कैसा ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक
स्ट्रोंग वैली जो है भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, स्ट्रोंग वैली कौन सा द्वीप पर थे क्वेश्चन आता है, तो लिपारी द्वीप पर स्थित थी। कौन सी द्वीप पर, तो लिपारी द्वीप है वहां पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर हमेशा हमेशा गैस निकलता रहता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा पूरी तरीके से एक्टिव है स्ट्रोंग वैली। स्ट्रोंग वैली जो है ये पूरी तरह से एक्टिव है और यहाँ से हमेशा क्या होता है कि उद्गार होता रहता है, हमेशा वहाँ से गैस निकलते रहता है, जिससे उसके अगल बगल का जो भाग है ना हमेशा इससे, क्योंकि निश्चित लिक्विड है तो यहाँ लाइट भी होगा, तो अगल बगल हमेशा क्या लाल लाल रोशनी हमेशा यहाँ अवेलेबल रहता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोंग वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर हमेशा लावा निकलता रहता है, वेपर निकलता रहता है, उसका लाइट से कारण क्या होता है कि वो लाल लाल रोशनी हमेशा बिखेरता है, इसीलिए किसे कहते हैं स्ट्रोंग वैली को, किस क्या कहा जाता है, स्ट्रोंग वैली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक और प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो किलायु हवाई द्वीप पर है। किलायु हवाई द्वीप पर विश्व का सबसे अधिक सक्रिय, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ, तो इसी हवाई द्वीप पर, किलायु हवाई द्वीप पर पाया जाता है। दूसरा आया प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे डोरमेंट का मतलब होता है मतलब सोया हुआ है, कब जागेगा पता नहीं, कब सोया हुआ है, ठीक है, मरा नहीं है, मरे वाला आगे आएंगे, सोया हुआ डोरमेंट है, जाग भी सकता है, तो वैसा ज्वालामुखी जो पहले बहुत दिन तक उद्गार नहीं हुआ है, फटा नहीं है, लेकिन इसमें कभी भी क्या उद्गार हो सकता है, कभी भी इसमें ज्वालामुखी फट सकता है, इसे क्या कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ विसुवियस जो भूमध्य सागर में पाया जाता है विसुवियस, तो आप क्वेश्चन हो सकता है प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है विसुवियस। दूसरा क्राकाटोबा ये सुंदर जलमंडू मध्य में आता है। फ्यूजियामा जापान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, फ्यूजियामा कहाँ है, तो जापान में है, क्या है ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा, फ्यूजियामा। लास्ट मेन जो है ये फिलीपींस में है, ये डोरमेंट तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं कि शांत ज्वालामुखी क्या है, वैसा ज्वालामुखी जिसमें कभी भी ऐतिहासिक काल बहुत दिन से कोई भी उद्गार नहीं हुआ और ऐसा निश्चित भी है कि आगे भी उसमें कुछ होने वाला नहीं है, इसे क्या नाम दिया गया, शांत, मतलब शांत है भैया, कुछ इसमें होने वाला ऐसा है नहीं, पूरी तरीके से शांत है। ठीक है, जैसे कोह सुल्तान और देवबंद, ये दो इंपॉर्टेंट है, कोह सुल्तान और देवबंद कहाँ है, तो ईरान में है। ठीक है, देवबंद लोग सुनकर लगता है यार ये इंडियन नेम है, शायद इंडिया में नहीं, देवबंद और कोह सुल्तान दोनों ईरान में है। पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो वेरी इंपॉर्टेंट अफ्रीका में है, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में, चिम्बराजो तो इंपॉर्टेंट में एक ये हो जाएगा आपका, किलिमंजारो हमेशा पूछा जाएगा अफ्रीका में, कोह सुल्तान और देवबंद का ईरान में, ये सारे क्या है शांत ज्वालामुखी, कभी भी आगे न फटेगा न पीछे कभी फटा था। ठीक है, हो सकता है बहुत सालों पहले करोड़ों साल पहले फटा होगा, इसके कारण उसे क्या शांत ज्वालामुखी का नाम दिया गया है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो भाग है पूछा जाएगा कहाँ, तो प्रशांत महासागर के निकट पाया जाता है, कहाँ, तो प्रशांत महासागर के निकट, प्रशांत महासागर के निकट लगभग सारे ज्वालामुखी इसी के निकट पाए जाते हैं। ठीक है, हमने क्रेटर का देख लिया, क्रेटर ऊपर वाला भाग जो कप वाला होता है, और सिंडर देख लिया जो बाहर आता है लावा का, और छोटे छोटे में ठोस भाग में बन जाता है, उसे सिंडर कहते हैं, ये दो चीज हमने पढ़ा। उसका अलावा क्या है कि सबसे बड़ी बात यह क्या है कि प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहा जाता है, क्योंकि इसको अग्निवलय भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है हम समझ गए, अग्निवलय क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या हो जाता है अग्नि का वलय निकलता रहता है प्रशांत महासागर के पास में, इसलिए उसको अग्निवलय भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, कहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है गीजर किसे कहते हैं, गीजर गर्म गीजर क्या यूज करते हैं, तो पानी को गर्म करने के लिए, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में जब उद्गार होता है, जब यहां से निकलती है, जब उद्गार होती है, उस समय दरारों तथा सुराखों से होकर जलवाष्प,
क्योंकि इसके अगल बगल भी और भी छोटे छोटे जलवाष्प होंगे, वहां से क्या होता है ना कि छोटे छोटे गरम गरम क्या होते हैं पानी की फवारा टाइप निकलते हैं, ठीक है। बाद जलवाष्प निकलते हैं, जल या वाष्प उसके अंदर से निकलते हैं और क्या होता है कि काफी ऊपर तक, जैसे सपोज यहाँ ज्वालामुखी निकला तो यहाँ भी छेद छोड़ा छोड़ा होता है, यहाँ से क्या होता है काफी फवारा, जैसे आपको लगेगा ना कि गर्म गर्म पानी का फवारा निकलता है, इसी को नाम दिया गया गीजर, ठीक है। यहाँ तो मेन ज्वालामुखी हो रहा है, उसके अगल बगल भी जो छेद होते हैं छोटे छोटे, उसमें वाष्प और निकलते रहते हैं पानी की बूंदे, जिससे क्या क्या उसी को गीजर का, ये गर्म रहती है इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया गीजर रखा गया। उसके अलावा अगर गेसर का बात किया जाए, इसको गेसर इंग्लिश में गीजर कहते हैं, ओल्ड फेथफुल गेजर जो यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, ओल्ड फेथफुल गेजर, कौन सा नाम ओल्ड फेथफुल, ये क्या है तो ये गीजर का नाम है, ज्वालामुखी का नाम नहीं है, किसका है तो गीजर का नाम है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था जब लास्ट होता रहता है, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक उसे धुआड़े कहते हैं, जिसे फ्यूमेरोल्स कहते हैं, फ्यूमेरोल्स क्या कहते हैं फ्यूमे, जब अंतिम अवस्था हो जाता है ज्वालामुखी का तो उसे क्या कहते हैं फ्यूमेरोल्स कहते हैं, ठीक है। जब अंतिम अवस्था ज्वालामुखी का होता है इसे फ्यूमेरोल्स कहते हैं, जिससे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। अंतिम अवस्था जब लावा पूरा निकल जाता है तो जो लास्ट अवस्था उसमें से गैस निकलता है, क्योंकि सब तो लावा बाहर आ गया, उसे क्या कहते हैं फ्यूमेरोल्स कहते हैं, फ्यूमेरोल्स, ठीक है। इस प्रकार से लगभग सारे क्वेश्चन में बता दिया हूं, एक दो पॉइंट जो मिसलेनियस का वो बताना चाह रहा हूं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपैक्सी, कौन सा है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा कौन सा है ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, जो 19,613 फीट ऊंचा है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह पर्वत है, ठीक है, ये क्या है ज्वालामुखी पर्वत का हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्वालामुखी कौन सा है तो ओजस डेल सलाडो, कौन सा है तो लिखिएगा ओजस डेल सलाडो, ठीक है, आप इसको लिखिएगा कि अगर विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो ओजस डेल सलाडो है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है तो कोटोपैक्सी। पर्वत कैसे बनता है, इसी तरह फटते फटते क्या हो जाए किला टाइप बन जाता है, जो पर्वत सूखने के बाद पर्वत बन जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, ठीक है, शांत ज्वालामुखी का बात किया जाए तो एकांकागुआ है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है जो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे ज्वालामुखी के बारे में एक एक भाग हमने पढ़ा है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हो सकता है निकाल कर आप देख लीजिए, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया। इसके आगे हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। कैसा हमारा वीडियो लगा प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।